नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सेठ समाचार से। एक चमत्कार हुआ है, ऐसा ना आज से पहले कभी हुआ था और ना मुझे लगता है, क्या पता होगा पे हम जा नहीं सकते, लेकिन कभी ऐसा हमने नहीं सुना कि इस तरह से हो सकता है। चमत्कार हुआ है। चमत्कार क्या है मैं आपको बताता हूं। हमने एक स्टोरी की थी, बस स्टैंड पुलिस स्टेशन का एक मामला हमारे पास आया था, जिसमें उन्होंने 40,000 रुपये एक मिस्त्री से रिश्वत ली थी और अब वो रिश्वत का पैसा जो है इन्होंने उसे वापस लौटा दिया है। ईमानदारी देखिए इनकी ईमानदारी आप देखें कि इन्होंने वापस उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, जो कैश लिया था वो कैश वैसे ही दिया है। कितने ईमानदार लोग हैं, इनकी तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपना जुर्म कबूल कर ले तब वो एक पग आगे बढ़ता है सही रास्ते की तरफ। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इमेज जो है ख़राब है। हमने पहले भी कई बार कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ आला अधिकारी हैं जो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें लगता है ये संभव हो पाया है। और क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि वो श्रमिक इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि हम बिना प्रूफ के कोई बात करेंगे नहीं, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको सुनाना चाहेंगे। हमारे जो सहयोगी पत्रकार हैं राजेंद्र भगत, उन्होंने उस व्यक्ति से बात की है। ज़रा पहले सुन लेते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो क्या कहता है। सर आप रिकॉर्ड चलाएँगे? जी बिल्कुल, ठीक है नहीं सर। अभी इसके लिए मुझे दो बातें बताओ कि पहले नंबर आपको जो पेमेंट इन्होंने दी थी वो वापस कर दिया? जी कर दिया। पूरा जो कैश में लिया था वो भी किया, अकाउंट वाला वो भी किया? कैश वाला कैश में उन्होंने दे दिया है और खाता वाला खाता में दे दिया सर। अच्छा, ये दिया कहाँ पर था इन्होंने? थाने में दिया या बाहर बुला के? कहाँ नहीं, पैसा तो और खाता में डाले जो 25,000 वो तो चला गया उधर जहाँ घरवाली रहती है। बाकी 15,000 रुपया इन्होंने बुलाया मेरे को विक्रम चौक उसी दिन जिस दिन आपसे बात हुई थी उसके कोई। तो ये आपने सुना, ये व्यक्ति जो है ये कबूल रहा है कि कैश वाला जो है इन्होंने कैश में दिया है, इन्होंने कोई पार्शलिटी नहीं की है, कैश वाला कैश में दिया है और जो अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफ़र करवाया था वो वापस अकाउंट में ही भेजा है। ईमानदार लोग हैं और हमें लगता है इतिहास में ना कभी पहले कभी ऐसा हुआ था और आने वाले समय में अगर होगा तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से हम ये चाहेंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और वो ये बताएं कि किन किन की गलतियों की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन राजेंद्र भगत जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर आप? ईमानदारी जिंदा है। चलिए पहले जो हुआ उसके बाद पैसे वापस चले गए, शायद उनके एक तो सीनियर अधिकारियों का दबाव था, उसके साथ ही मुझे लगता है सहयोगी जो लोग थे उन्होंने भी कुछ समझाया होगा इस बारे में। और अच्छा हुआ उस व्यक्ति को वापस हो गए, पैसे मिल गए उस व्यक्ति को। लेकिन उसके साथ जो थोड़ी उसको होता ना धमकी छुपे रूप में इस तरह से, मुझे लगता है वो सही नहीं है। धमकियाँ दे रहे हैं ये लोग? ये धमकी कुछ इस तरह का बनावटीपन होता है, ऑडियो बना ली, सीनियर अधिकारियों को भेज दिया, तुम ऐसे बोल दो ऐसे बोल दो, पर्दा डालने के लिए तो वो करेंगे। मुझे लगता है आसपास जो सहयोगी होता है वो इसमें कुछ ऐसा ना करें। मैं पहले आपको बता दूं कि ये मामला वो तलाश रहे हैं कि ये मामला आया कैसे, हमारे तक ये मामला पहुंचा कैसे। अब इस मामले को लेकर वो छानबीन कर रहे हैं, नंबर उधेड़ रहे हैं कि ये मामला उन तक पहुंचा कैसे। इस बात के लिए वो छानबीन नहीं कर रहे हैं कि उस आदमी ने रिश्वत ली क्यों, कहाँ कहाँ गलती हुई। उल्टी दिशा में ही गंगा जो है वो बह रही आज। हाँ, वो इसमें कोशिश में लगे हैं कि इसके पास मामला गया कहाँ, किसको फोन किया, कैसे फोन आया, किसकी तरफ से आया। अच्छा, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस किस ने पैसा लिया, कहाँ कहाँ दिया। ये सुनने में तो ये भी आया था कि इन्होंने जिस जिस को मतलब रिश्वत के पैसे जिस जिस को बांटे थे उस इकट्ठे किए हैं वापस से कि दे दीजिए आपके आपने पैसे लिए थे, ये आप जो भी आपने लिए हैं हिस्सा अपना वापस दीजिए। इन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं सारे? ये अच्छा काम करते नहीं है, ये सीनियर कुछ अच्छे अधिकारी हैं जिनका दबाव होता है, क्योंकि विभाग चलाना पूरा विभाग होता है। उन्होंने पूरा वो काम इस पैसे बटोरने के लिए नहीं आए, वो सिस्टम को चलाने के लिए आए हैं। उनका जब दबाव पड़ता है तो अच्छे अच्छे जो होते हैं सीधे हो जाते हैं। और मैं साथ आपको बता दूँ जिस तरह ये कह रहे थे कि मामला आया कैसे, मैं अब ये इसका खुलासा कर दूँ ये मामला आया कैसे। ये मामला बिहार से आया था, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं
विश्व मानवाधिकार परिषद से जुड़ा हूँ, वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल से, तो वहाँ ये मामला आया था और वहाँ ये बात फैली थी, किसी ने रिश्तेदार ने अप्रोच की थी, ऐसा ऐसा हो गया जम्मू के अंदर कोई व्यक्ति हमारा है जो फंस गया है। तो वहाँ का जो राज्य प्रधान थे उन्होंने संपर्क किया मुझे मेरे साथ, और मुझे जब संपर्क किया गया फिर मेरे पास नंबर आ गया। नंबर आने के बाद धीरे धीरे ये खुलासा होता गया। वहाँ मुझे वापस, मैंने कल भी उनसे बात की थी, रिपोर्ट भेजी थी मैंने कि यहाँ जो मामला है, मतलब पुलिस यहाँ अच्छी है, देखिए उसकी छवि जो है काफ़ी अच्छी रही है। मैंने जैसे कहा कि बिहार में भी ये अपनी इज्जत बना रहे हैं, नहीं अभी वहाँ इस तरह का खुलासा नहीं हुआ, वहाँ कानून व्यवस्था में इस तरह का खुलासा नहीं हुआ, कानून में नहीं गया, वो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के होता है, मतलब इज्जत होती है ना, पता चलता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस वाले पैसा रिटर्न कर रहे हैं, देख रहे हैं आपने रिश्वत ली थी, इन्होंने वापस की, हम भी ऐसा करें। अब ऐसा लग रहा है आगे आने वाले समय में सारे पुलिस वाले रिश्वत लेने के बाद वापस करेंगे पैसा और फिर इनको हाथ डाले जाएंगे। देखिए लगभग हज़ारों के हिसाब से हमारे सिपाही जो है ना इसी जम्मू कश्मीर की धरती के लिए आतंकवाद से लड़ते हुए शिकार हुए हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो पुलिस के नाम को गौरवशाली बनाती हैं, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, और जब इस तरह के मामले आ जाते हैं तो इस तरह के मामले उन सब चीज़ों पर पानी फेर देते हैं। इस चीज़ का ज्ञान हमें भी है, आपको भी है, औरों को भी होगा कि हम भी जब कोई व्यक्ति बाहर धूप में खड़ा होता है पुलिसकर्मी, तो हम उसको बड़े अच्छे आदर से देखते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं, ये बात वो भी मानते हैं, पर जब इस तरह का कोई व्यक्ति बीच में आ जाता तो वो फिर वो मीडिया को, आज भी वो मीडिया को दुश्मनी, जैसे वो पीछे पर्दे के कह रहे थे कि मीडिया वाले क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, ये तो कनेक्टर होते हैं। हाँ तो, ये बड़ी मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इतनी बड़ा मामला होने के बाद भी ये क्या कहते हैं कि मीडिया वाले क्या करें, मीडिया वाले क्या करेंगे, वो लोगों को बता देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे, वो इससे ज़्यादा जान थोड़ी ले लेंगे, वो तो आपके ऑफिसर देखेंगे क्या करना है, बाकी नहीं तो लोग हिसाब किताब कर ही देंगे। दीपक देखो मीडिया का काम कुछ करना नहीं होता है, मीडिया को उल्टा आप लोग टारगेट करते हो, आप लोग मीडिया पर केस करते हो, कभी मीडिया वाले ने नहीं आपको किया होगा, जब आप कहीं फंस जाते हो तो आप मीडिया वाले को लताड़ना शुरू कर देते, जैसे आप उस दिन जिस दिन केस किया तो आपको भी कॉल आ गई, मुझे भी आ गई, आते रहती है काले कौन है, डिटेल निकालो, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय हमारी हो रही थी, ये बात अलग होगी, लेकिन मीडिया जो है डेमोक्रेसी, आज समय इतना घूम चुका है सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय ये उन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं कि ये मामला इसके पास कैसे आ गया, ये कौन व्यक्ति था। अब हम इससे ज़्यादा क्या समझें कि अब बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गया सिस्टम, मानसिकता बिल्कुल गिर चुकी है, लोग कहाँ जाएं। ये बात तो है, इस चीज़ की चिंता सभी को है। मैं एक बार लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई ऐसा पुलिस स्टेशन दिखता है जहाँ पर रिश्वत नहीं ली जाती तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हाँ बिल्कुल, जो ईमानदार पुलिसकर्मी है, ईमानदार लोग हैं, उसे भी बाहर आप लेके आएँ, उनकी भी चर्चा करें आप। और मैं फिर से ये कह रहा हूँ, जैसे हमने अभी बस स्टैंड का नाम लिया, तो इसमें बस स्टैंड के अंदर बहुत पूरा थाना आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि थाना पूरा जो है इस तरह से, मैं केवल एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, इस बात को गौर किया जाए। बाकी यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे रहे हैं, पिछले दिनों जो कोविड के दौरान देखा, लोगों की जो लोग बेचारे प्रताड़ित हो रहे थे, कुछ गाड़ियां नहीं मिल रही थी, तो हमने देखा धूप में खड़े रहकर ये लोग हम ये जो ज़रूर कहेंगे, धूप में बेचारे खड़े रहते हैं, हमारे लिए दौड़ रहे हैं, कोई क्राइम हो रहा है दौड़ रहे, बस इनको एक ही प्रॉब्लम है कि पैसा देखते हैं थोड़ी इनकी आंखों में ऐसे फिरकी नहीं, तो वो घूम जाती हैं थोड़ी, ऐसा ऐसी पलटी मारते हैं कि आप सोच नहीं सकते, और उस पलटी के बाद ये फिर तहस नहस भी हो जाएगा, लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा लग रहा है। देखिए जिसके लिए पैसा प्रदान है, वो जिसका काम है ना भ्रष्टाचारी करना, भ्रष्टाचार करना, वो करेगा। अगर 80-90 हज़ार रुपये अपनी सैलरी आती है, उसके बावजूद भी आप इस तरह का गंदा काम करते हैं, और वो भी ऐसा कर रहे हैं कि इस कोविड के दौरान जहाँ लोग आटे चोल को मोहताज हो रहे हैं, खाने पीने के कुछ नहीं, वो जो मजदूर वर्ग है बेचारा काम नहीं कर पा रहा, ऐसे में अगर आप उसको इस तरह से परेशान करते हैं। मतलब आपका कहने का अर्थ है कि वैसे आप रिश्वत लेते रहे कोई बात नहीं, लेकिन इस कोरोना संक्रमण में रिश्वत ना लें, ये कहना चाह रहे हैं? कम से कम इसमें तो ना लें। देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है जरूरी कि सभी रिश्वत लेते होंगे, ईमानदारी जो है शुरू से चलती रही है और भ्रष्टाचारी भी शुरू से चलती रही है। और मैं कह रहा था जैसे कि मीडिया का काम है, देखिए मीडिया का काम क्या होता है, वो डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है उसका काम होता है जैसे कि तस्वीर दिखाना, उसमें कुछ अपनी राय भी हम लोग बता देते हैं, समाज में क्या हो रहा है वो भी राय देते हैं, अगर हम ये ना करें तो फिर हम लोग घर में बैठ जाएं। इसलिए अगर हमें भी कोई अधिकार मिले हुए हैं, अधिकार मिले तो हमें इसीलिए मिले हुए ना कि हम लोग भी इस पर लोगों को, प्रशासन को,
और लोगों की जो पीड़ा है, जो घटित हो रहा है समाज के अंदर, वो हम लोग लेके आए। हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार करते हैं, ईमानदारी है जो ईमानदार करते हैं, हमारा काम है दोनों पक्षों को दिखाना, हम दिखा रहे हैं। हम दिन भर कैमरे लेके घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चौराहे पर लोग खड़े हैं, धूप में बेचारे खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम लोग तो दिखा रहे हैं ना। और जहाँ पर ये इस तरह का मामला आएगा, हम लोग उसको दबाने वाले थोड़े हैं, जहाँ छोड़ने वाले हम तो उसको भी दिखाएंगे। और हमारा तो यही काम है, लेकिन ये जो चमत्कार हुआ है, कभी आपने, क्योंकि मेरी एज तो कम है लेकिन आपकी मुझसे काफ़ी अधिक एज है और तजुर्बा भी ज़्यादा है, कभी आपने ऐसा सुना है, कभी इतिहास में ऐसा हुआ कि पुलिस वालों ने रिश्वत ली हो और वापस दे? नहीं, ये चमत्कार पहली बार हुआ, शायद मेरे, मुझे लगता है कि पहली बार हुआ कि इस तरह से धीरे से उनको लौटा दिया गया। और उस पर कोई बड़ी उसको धमकी नहीं दी, बचने के लिए कहा गया, किसको फोन किया कहने, सुनने में ये भी आ रहा था डीएसपी साहब बार बार उनको फोन करके बोल रहे थे मिलो जी मिलो मिलो, ये डीएसपी साहब क्यों? हाँ, एक बात मुझे समझ नहीं आई, वहाँ मिलने के लिए उसको कहा जा रहा था, हमारे पास उसके पूरे आगे उनकी बातचीत पूरी आई, उसने मिलने के लिए कह रहा था लेकिन वो कार्यालय में नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है कि ऐसे मामले में हो सकता है उनकी मंशा अच्छी रही हो, कैसी हो मैं नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकती है, लेकिन विश्वास कौन करे? हाँ, हाँ। ये लोग तो कहते हैं, अगर लोगों को पता चले पुलिस वाला घर आ रहा तो वो कहते हैं माताओ जी जो कोई लिखित में कोई नोटिस वगैरह है आपके पास आओ, इनको कोई पुलिस स्टेशन बुलाए, लोग कहते हैं हम नहीं जा रहे हैं, क्यों जाएं? क्योंकि विश्वास नहीं लग रहा आपको, खो चुके हैं ये लोग? नहीं, मुझे लग रहा है कि इस मामले में जो बड़े अधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, अब वो डायरेक्टली वो इसमें शामिल हो जाएं, और ठीक है इसमें अगर मामला इस तरह का आया है उसको देखें, अपने संज्ञान में ले किस तरह का क्या करना है। और दूसरा मैं एक बात और बता दूं, हमें भी पिछले दो दिन से लगातार जो इस तरह से लोग प्रताड़ित हैं, बहुत से फ़ोन कॉल आते हैं, आ रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं लोग कि हमारे साथ भी सर ऐसा हुआ, ऐसे भी हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन हम लोग लोगों से तो कहेंगे कि आपके पास जो भी इस तरह का मटेरियल है, कहीं भी प्रूफ है, उसमें अगर आपको कानूनी लगता है या कानूनी सलाह लेना चाहते हैं वो भी आप करिए, हमसे लेना चाहते हैं तो भी आप करिए, और जो आप भेज सकते हैं वो भेजिए, और हम लोग निष्पक्ष भ्रष्टाचार मुक्त होगा हमारा समाज, हम ये कल्पना करके चले हैं। और स्टेट समाचार का यही एक प्रयास है कि हम लोगों की आवाज़ बने, भ्रष्टाचार कहीं दिख रहा हो उसका अंत करने के लिए उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जहाँ चुप्पी साध देते हैं क्योंकि दोस्ती यारी हो सकता ज़्यादा हो, लेकिन अंत में आप कुछ पुलिस के विभाग के कर्मचारियों को, बड़े आला अधिकारियों कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उनके पास तजर्बा है इस चीज़ का, उनके सामने ये पूरी चीज़ आई है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम लोग कुछ भी नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं कुछ कानूनी जो होते हैं इस तरह की मैं राय ले लेता हूँ, ब्रदर है मेरे, वकील हैं, उनसे भी राय ले लेता हूँ, मेरे फादर साहब ऑलरेडी पुलिस से ही मैं ही रिटायर हुए हैं और कानून के काम में ही ज़्यादा रहे थे, मैं उनसे भी सलाह ले लेता हूँ क्या इसमें होता है, कहाँ कमियाँ रह गई हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे मित्र कुछ संगठन है उनसे पूरी राय लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से मैनेज किया। और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि इसमें ना कोई बड़ी अफवाह हो, कोई झूठी बात भी सामने ना आए, कोई निर्दोष फंसे ना, हमारी कोशिश सबसे पहले ये रहती है कि कोई निर्दोष ना फंसे। अगर कहीं हल्की सी भी हमें लग जाता है कि नहीं यहाँ पर थोड़ी गलती हो सकती है, हम लोग उसको छोड़ देते हैं, आप तो जानते हैं इसमें चर्चा होती रहती है आपसे, और हमारी कोशिश ये होती है कि अगर जिसने भ्रष्टाचार किया, ओपनली किया, सबके सामने किया और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करा, फिर हम लोग नहीं, फिर तो हमें अपने काम से फिर वो गद्दारी वाली बात होगी ना यदि हम ऐसा करेंगे तो। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है उस व्यक्ति के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो पुलिस के कार्यशैली पर कई बार उनसे या तो प्रताड़ित हो जाते हैं या और रिश्वत, मतलब आजकल तो ऐसा मतलब डायरेक्टली कहा जाता है कि रिश्वत ले ही रहे हैं, रिश्वत चल रही है, लेकिन पहला ऐसा मामला है कि रिश्वत लौटाई गई है। तो क्या हम समझें कि अब हम सत्य की तरफ पग बढ़ा रहे हैं, क्या सतयुग वापस आएगा? क्योंकि चमत्कार हो रहे हैं आजकल, हमने उधमपुर के अंदर देखा, वहाँ पर देवी घाट में जो मृतक शव थे उनको अग्नि दी गई थी, अचानक वहाँ पानी बढ़ता और वो शव जो हैं वो बह जाते हैं, ये एक चमत्कार था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसके बाद अभी आग लगी हुई थी केमिकल एक फैक्ट्री में उधमपुर में, वहाँ हर एक चीज़ काली हो गई, जल गई आसपास का सारा एरिया, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा, ये भी एक चमत्कार था जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया है कि ये चमत्कार हो रहे हैं। और एक तीसरा चमत्कार, पुलिस वालों ने पैसा वापस लौटाया है। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको
जो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, और उनको फंसाया गया है, क्योंकि इनकी कलम है, इनके पास ताकतें हैं, इनका माइंड भी काफ़ी शार्प है, इनको कानून की भी पूरी जानकारी है, तो ना जाने कितने लोगों को ये फंसाते होंगे, क्या पता है उनके पास पैसे होते हैं नहीं होते हैं, कहाँ बेल करवाएंगे, कोर्ट जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो हमें लगता है कि अब लोगों को इसकी तरफ भी आवाज़ उठानी चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आवाज़ उठानी चाहिए, नेताओं को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, नेता अगर आंखें बंद करके बैठेंगे, तो फिर ये जो नेता कहते हैं कि हमारे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, मीडिया कर्मी ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर वो बोलना बंद कर दे, क्योंकि आपके समाज में ऐसा सब कुछ हो रहा है और आपने आंखें मूंदी क्यों। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न बीच में मैंने पूछा था और कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपके एरिया के अंदर या कहीं भी किसी को लगता है कोई ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां पर करप्शन नहीं होती, पैसा नहीं खाते पुलिस वाले, वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।